जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, यूपी में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे लगने लगता है कि यूपी में कुछ तो ठीक नहीं है। हालांकि बार बार ये बताने और जताने की कोशिश की जाती रही है, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच की सियासी लड़ाई थम गई है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अब जो खबर सामने आई है वो सीएम योगी के लिए भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि खबर ये है कि 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त को केशव मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के हालात की जानकारी दी है। केशव मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई है। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर सीएम योगी की जगह केंद्रीय नेतृत्व और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व केशव मौर्य के साथ है? सीएम योगी को लेकर अंदर खाने बीजेपी में कोई खिचड़ी पक रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई और पीएम मोदी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की खबरों के बीच यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। खैर, अखिलेश यादव के इस तंज के बीजेपी वाले सियासी मायने निकालेंगे, लेकिन इस मुलाकात के पीछे की कहानी आप एक बार फिर जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। कहा जा रहा है कि तभी से योगी और मौर्य में ठन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।